नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। लोकसभा उपचुनाव, बीजेपी ने डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से रघुराज शाक्य को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को पहुंचेगी मध्य प्रदेश। G20 प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से की अनौपचारिक बातचीत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 464 नए मामले हुए दर्ज। यूएस के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हुआ गिरफ्तार। एयर क्वालिटी पैनल ने एनसीआर में लागू ग्राफ के तीसरे चरण को किया रद्द। चीन सीमा के पास भारत अमेरिका आज से करेंगे युद्ध अभ्यास। मुंबई बाटा शोरूम के बेसमेंट में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर। मुंद्रा में नर्मदा नदी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की डूबने से हुई मौत। और अमेज़न इस हफ्ते कर सकता है 10,000 लोगों की छंटनी।